तो गोल्ड में आपका स्वागत और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मैं आज आपको आयुर्वेद के अंदर देखो आजकल पांच आदमी में दो आदमी को डायबिटीज तो मिलेगी ही मिलेगी और वो जो दवा खा रहे हैं उसे कदापि बंद ना करें एक मैं छोटा सा नुस्खा देता हूँ अगर ये साथ में वो लेते रहें जो भी डायबिटीज का पेशेंट है या कोई शेख संबंधी कमज़ोरी है जो भी है कमजोरी यूँ मान लो कोई भी इसको ले सकता है बहुत सरल और डायबिटीज़ में तो बहुत ही लाभ करता है इसको लेने से इधर आप गोली लेते हैं इधर आप ये आयुर्वेदिक दवा लेते हैं तो आपकी शुगर एक बिंदु पे ही रहेगी ज़्यादा नहीं होगी और कभी कभी एक आध पीस मीठे का आप ले सकते हैं बहुत सरल इसका नाम है चूरन का मधुमेह दमन चूरन या आप यूं लिख लीजिए मधुमेह का चूरन यानी कि डायबिटीज का चूरन इसमें द्रव्य हैं वो मैं आपको लिखाता हूँ आप लिख लीजिए कोई ज़्यादा नहीं है गुड़मार आठ तोला तोला को आप दस ग्राम से काउंट कर लेना हाँ गुड़मार आठ तोला बिनोले की मिंगी चार तोला और जामुन की गुठली की मिंगी चार तोला और सूखे बिल्व पत्र छः तोला और सूखे नीम के पत्र दो तोला देखो कितना सरल और कोड़ियों का नुस्खा है मैं आपको समझाता हूँ गुड़मार आठ तोला ये आप पंसारी से ले आए बिनोला की मिंगी आपको पंसारी दे देगा ये चार तोला जामुन की गुठलियों का पाउडर खूब मिलता है तो यह भी चार तोला और जो बेल पत्थर होता है तो सूखे हुए पत्ते तो अभी पतझड़ हो रही है नहीं तो पत्तों को लाके घर पे सुखा लेवे ये छह तोला लेवे और नीम के पत्ते भी सूखे हुए अभी खूब गिर रहे हैं ये ले लें या हरे पत्ते तोड़ के छत पे सुखा लें ये दो तोला बस इतना ही कंटेंट्स हैं गुड़मार आठ तोला बिनोले की मिंगी चार तोला जामुन की गुठली का पाउडर चार तोला और सूखे हुए बिल पत्थर के पत्तों का पाउडर छः तोला और सूखे हुए नीम के पत्तों का पाउडर दो तोला बस सबको कूट पीट करके आटे जैसा चूरन बना करके एक कांच की शीशी में भर लें इसकी मात्रा है तीन मासा यानी कि आप पाँच ग्राम सुबह लें पाँच ग्राम रात को लें इसके सेवन से ये लिखते हैं कि मधुमेह रोग के कारण उत्पन्न होने वाली सरकरा पर अति शीघ्र काबू हो जाता है चाहे वो सरकरा केवल पेशाब में ही उत्पन्न हुई हो अथवा उसकी उपस्थिति रक्तांत भी हो गई हो इसके अतिरिक्त ये चूरण लीवर के विकारों को दूर करके और डायबिटीज़ का दमन करता है ये लीवर को ठीक करके और डायबिटीज़ में सुधार करता है आगे ये लिखते हैं देखो जो पैसे वाले हैं ना उनके लिए यदि इस चूरन के साथ में बसंत कुमा का रस आयुर्वेद में बना बनाया मिलता है ये थोड़ा कॉस्टली है मैं क्या करूं चार पाँच सौ रुपया ग्राम का अभाव होगा तो बसंत कुमा का रस उसको आप एक एक या दो दो टिकिया सुबह और रात को लें यह सब दूध से लें या गुनगुने पानी से लें चूर्ण और ये बसंत कुमा का रस ये आप का मन करे जब तक आप इसको ले सकते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं याद रखिए बसंत का रस आपको बना बनाया मिलेगा बाजार के अंदर तो चूरन की चम्मच आधा चम्मच की मुंह में डाली दो घूर दूध की पी अथवा गुनगुना पानी पिया और दो टिकिया बसंत कुसुमाकर की भी साथ में ले लें सुबह और रात को ये कोर्स करने से अगर बसंत कुसमा कर इसके साथ लेते हैं तो आपके धातु दौर बल्ले क्या आपके ये बहुत आयुर्वेद के अंदर डायबिटीज़ को ख़त्म करने के लिए बसंत कुसमाकर रस के बराबर कोई रस नहीं लेकिन क्या बताऊँ अब मेरे से बोला बिना भी, भी नहीं रह जाता आप सब समझते हैं अगर शुद्ध चीज मिलती है तो पूरा काम करती है फिर भी है उनसे ही काम चलाना है जो है राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा हो अगर मान लो आपको खूबसूरत बीबी नहीं मिली तो भाई है जिससे ही काम चलाओ ये अपने अपने नसीबों की बात होती है तो इसी तरह से अब बसंत कर आप सबसे अच्छा आता है धूत पापेश्वर का उस इस फार्मेसी का लेवें धूत पापेश्वर वो मंगा के दे देगा दुकानदार आपको वो अच्छा फार्मेसी है अच्छी चीज़ बनाता है ये आप दो महीना छः महीना आपका जी करे जब तक डायबिटीज है लेते रहें शरीर में कमजोरी नहीं रहेगी ताकत रहेगी बसंत कुछ माकर अकेला ही बहुत होता है और फिर ये साथ में चूरन हैं। तो है तो प्रमेह है मधुमेह है दमन चूरन या डायबिटीज को ख़त्म करने वाला चूरन या कम करने वाला चूरन आपकी इच्छा हो वो नाम दीजिए लेकिन मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा थैंक